जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ाना जो है हमारे पास जो प्रजा दरबार चलता है उसमें जो दारुल अमान के ऊपर, तो उसमें ये होता है कि जो मुस्तहकीन लोग आते हैं उनकी सुनवाई होती है, उसके बाद में उनको जो भी जिस तरीके से भी हम मदद कर सकते हैं या आवाम के दरमियान आवाम के ज़रिए से NRIs के ज़रिए से हम मदद करवाते हैं, तो उनका जो भी स्टोरी है वो लिखने के बाद में जो भी साहिब खैर लोग है वो उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं, उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं। तो इसमें ये प्रजा दरबार में एक और एक चीज़ ये है हमारे कि कई जो बेवा और ज़ईफ़ लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको शोहर छोड़ दिया है, जिनको कुछ बीमारी है, तो उनके लिए हम मंथली राशन भी देते हैं, हर महाना उनको राशन देते हैं और उनको जो है दवाओं का भी इंतज़ाम किया जाता है। कई हमारे पास ऐसे है परमानेंट डोनर्स बोलते हैं उनको, हम एक बार केस डालने के बाद में हमारा मकसद रहता है कि एक आध वक्त मदद नहीं करना, क्योंकि जो बेवा रहते हैं जो ज़ईफ़ रहते हैं उनकी एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी होती है, जिनके हस्बैंड अपाइज है, जो हैंडीकैप है, किडनी पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, उनको हम हर मंथ जो है राशन देते हैं और उनको दवाओं का भी इंतज़ाम करते हैं। अब क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो हमारा एक टारगेट ये है कि 20,000 फैमिलीज़ को, जो बिल्कुल हमारी टॉप प्रायोरिटी में ये है कि वो लोग बेवा रहना चाहिए और उनको 4-5 बच्चे अगर है बेवा है तो 1 महीने का उनको राशन और 5,000 रुपये ताकि वो अपने मकान में जो है अच्छी सी इफ्तारी कर सके, राशन के ज़रिए अच्छा सा सहर और इफ्तार कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बीमार है बिस्तर पर है, जैसा कैंसर पेशेंट है, किडनी के डायलिसिस पेशेंट्स है, और आपके किसी ऐसी बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है, शोहर उनके कमा नहीं सकते, तो हम वैसों की भी तकरीबन लोगों की लिस्ट बनाकर आने वाले रमज़ान में, क्योंकि लास्ट टाइम रमज़ान में भी हम तकरीबन 7,000 से 8,000 फैमिलीज़ को मदद करने में कामयाब थे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो बिहार में जहाँ पर बाढ़ आई थी, वेस्ट बंगाल में कोलकाता के आगे के मुकाम पर जहाँ पर दिनाजपुर कुछ नाम है उसका, वहाँ पर बाढ़ आई थी, वहाँ पर भी हम तकरीबन 200-300 फैमिलीज़ को मदद किए थे। तो इस बार भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमको कामयाब करे और जो भी साहिब खैर, क्योंकि प्रजा दरबार का 1 साल मुकम्मल हो गया, हम 2 फरवरी को स्टार्ट किए थे तो अल्लाह के फजल से 1 साल मुकम्मल हो गया, तो आज यहाँ पर जो प्रोग्राम अब रखा गया है वो तो जो भी बेवा ख़वातीन हैं जो हमारे से मुसलसिल ये प्रजा दरबार में अप्लीकेंट है उनको हम बुलाया गया है, तो मैं एक एक नाम पुकारता हूँ, आप लोग देते जाइए। फराना बेगम हैदराबाद का, तो ले लो अल्लाह जिया अल्लाह जिया, तो तेल की पाकिट भी लियो। महे जबीन ले लो अल्लाह जिया, आप उठा सकते हैं, कोई मदद करो इधर। सांदिया, ये बिचारी सांदिया जो है इसका हाथ फैक्ट्री में आने की वजह से, ये बिचारी का हाथ फैक्ट्री में, ये कहीं प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करती थी है, तो इसका हाथ जो है 4-5 उंगलियां कट गए इसके, जैसा ही इसका हाथ इसमें आया तो इसका शोहर इसको छोड़ के चले गया। ये मेरी बहन जो है यहाँ पर सैदाबाद में रहती है, इसको हम इलाज करवाने के लिए भी अपील डाले हैं, तकरीबन 75,000 रुपीज़ इसको प्लास्टिक सर्जरी को हो रही है, अभी तक कुछ 8,000 आए, कितने आए आपको जी? 50,000 आ गए, चलो मुबारक, 50,000 आ गए, कितने अभी और होना है आप? तो 8,000 आए और 50,000 होना है, 8,000 आए हैं और 50,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं इसका पोस्ट सांदिया का दोबारा डालूँगा, जो भी साहिब खैर मेरी एक हिंदू बहन है ये इसकी मदद करिए, क्योंकि इसको एक मासूम बच्चा है, बच्ची एक बेटी है इनको, एक मासूम शोहर छोड़कर चले गया इनको, तो मेरी गुजारिश है कि ये मंथली राशन है, ये महीने में भी लियो आप, आपका जब तक हाथ अच्छा नहीं होता आप हर महीना आके दे सकते हैं। मैं उठाते जैसा ये कोई आओ इधर, बच्चे इधर आओ, मैं आओ इधर दूर कहीं खड़े,
नहीं नहीं वहाँ वहाँ देख जा के रखो, जाओ जाओ नफीस बानो, बेचारे बहुत दूर से आते हैं, ये बेचारे जो है बेवा है, इतने बच्चे आपको माँ हाँ वालदा के साथ रहते, बेचारों बच्चे भी नहीं है, बेवा है ऊपर से, ज़रा उठाओ कोई मदद करो इनकी। कहाँ आप शाहिद नगर में रहते हैं? ठीक है ठीक, सैयदा बेगम इधर से आओ, ये बेचारी के शोहर हैंडीकैप है, ले लो। नाजिया बेगम, ये बेचारे बहुत दूर से आते, गोलकुंडा किले से आते हैं हर साल, हर तकरीबन बेचारे इससे पहले भी हम उनकी अपील भी डाले। फिर की पार्टी रोका हो, नाजिया बेगम, नाजिया बेगम तो ले लिए, यूसुफ भी, शेख रहमतुल्लाह, शेख रहमतुल्लाह के घर वाले कौन है? बैठे हुए ना, आओ माँ, कौन है? आओ माँ, आप ही छे, फिर आओ ना, क्यों नहीं आ रहे आप? नहीं हो ना आपको? हाँ क्या बोल रही रहमतुल्लाह से ना, कहीं को एक आधे घंटे से कहीं जवाब दे रहे हैं। सबिया बेगम, फरजाना बेगम, ये बेचारे फरजाना बेगम जो है, ग्राहको एक मिनट बात करने दो उनके बारे में, आओ माँ, इनको जो है बेचारे बहुत परेशान हो रहा हो माँ, बाजू का हो, ये इनको पांच बेटियाँ हैं ना आपके? एक बेटी। आप नामपल्ली में रहते ना? जियागुड़ा में रहते। अच्छा जिया, कहाँ रहते आप? जियागुड़ा। ठीक है, ले लो, अल्लाह दिया, पहले ये लेके जाओ, बाद में बात करते हैं, रखो अपन बात करते हैं। अल्लाह जी, अल्लाह जिया बोल, समीना, समीना क्या नाम है ये? शमीना गुप्ता, कहाँ रहते आप? चंद्रा गुप्ता के पास ले लो। अच्छा, आपके जो शोहर का इंतकाल हुआ था, अल्लाह दिया बोलिए। स्वरूपा, आओ, कहाँ आप भी सैदाबाद में रहते नहीं? अच्छा, वो इससे पहले वो टेस्ट तो बच्चे की फीस के वास्ते आए थे ना? ठीक है, बंदी है फीस, ठीक है, कहीं ले लो राशन को ले लो। समरीन बेगम, समरीन बेगम भट्टेपल्ली, कहाँ भट्टेपल्ली में रहते हैं आप? अच्छा, वो पर्सन जो बच्चा आपका माजूर है जो अपील ला लेते हैं ना, आए आपको कुछ पैसे? 5,000 रुपये आप, ठीक है आते हैं इंशाल्लाह, करो अल्लाह से दुआ करो आप, ले लेंगे। महबूब बेगम, महबूब बेगम कौन है? आगे आगे, हाँ कहाँ रहते आप? तलाब कट्टे में कहाँ रहते माँ? जी बाबा बहुदी की दादा, ले लेंगे। हिना फातिमा, आप आओ माँ, ले लो, एक और एक लो इधर। No, 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 no.